हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं गोवा में और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एग्जीबिशन लगी है पूल एंड स्पा करके। ये अपने सीएम साहब ने इनॉग्रेशन किया है और यहाँ पे हमारा एक स्टॉल लगा है। तो आज हमको आपको जो दिखाने जा रहे हैं इंडिया में पहली बार हुआ है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर पूल। आपने प्रीफैब पूल देखे हैं, रेडीमेड पूल देखे हैं, लेकिन मॉड्यूलर पूल एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें जो हम दिखाते हैं कि एक दिन के अंदर ये लग जाता है या 2 दिन के अंदर, और किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से हम इसको फ्लोर बनाते हैं, आइए प्लीज़ देखिएगा। तो ये एक एग्जीबिशन सेंटर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे फर्श पे कारपेट बिछा हुआ है और यहाँ पे हमने एक लाइव पूल लगाया हुआ है। अब इस लाइव पूल की खासियत ये है कि एक तो हमने ये एक दिन के अंदर लगाया, एक दिन के अंदर पूरा का पूरा पूल हमने यहाँ पे सेटअप किया है। ये हमारे पास बहुत छोटी सी जगह थी, 10 फीट बाई 10 फीट या 3 मीटर बाई 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या है कि हम ज़मीन में कोई भी छेद नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया कि एक मॉड्यूल बनाए जो कि फ्लोर से करीब 3 इंच ऊपर रहते हैं और इसी के ऊपर हमने पूरा पूल सेट कर दिया। अब आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि जितना भी बड़ा पूल है हमारा, ये जो पूल भरा हुआ है, दिस इज़ ये इसका जो हाइट है दिस इज़ अराउंड 3.5 फीट एंड दिस इज़ एंटायरली ए मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमने वॉल पैनल लगाए, ब्रैकेट्स लगाए और ये सपोर्ट जो किया ब्रैकेट को, ये भी हमने फ्लोर पे किया। उसके बाद में ये 3.5 फीट का हमने पूल लगाया, यहाँ पे हमने अंदर लाइनर लगाया और ये आप जो देख रहे हैं दिस इज़ ए पाइपलेस फिल्टर जो कि इसके पानी को साफ़ करेगा। अभी 3-4 दिन हो गए इसके पानी को साफ़ हुए, पूरा का पाना पूरा पानी इसी फिल्टर से साफ़ हो रहा है। हालांकि ये फिल्टर बहुत बड़े पूल के लिए है, लेकिन सिंस इतने छोटे फिल्टर होते नहीं है और हमको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो ये पाइपलेस फिल्टर विद मॉड्यूलर पूल। इवन हमने आप देखिए ये वाला जो सिस्टम है, ये जो रखा हुआ है, दिस इज़ मॉड्यूलर डेकिंग आल्सो। सो दीज आर काइंड ऑफ इंस्टेंट पूल विच कैन बी मेड इमिडिएटली। अच्छा, इसके अंदर हमने आप और देख रहे होंगे एक्वा बाइक टाइप साइकिल जिसको बोलते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एक्वेटिक बाइक। ये इतनी हल्की है कि आप इसको एक हाथ से उठाकर और जहां आपने रखना है इसको रख सकते हैं, जैसे किसी यूजर ने यूज़ करना है उठा के इसको बाहर रख देना। सो ये इजी टू असेंबल, ईजी टू प्लेसिंग और ईजी टू यूज़ है। तो आपने देखा कि मैंने एक ही हाथ से उठा के रख दिया।